हाय एवरीवन, दिस इज दिलबाग वर्मा। वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजीसी नेट क्लासेस। सो फ्रेंड्स, हमने न्यू क्रिटिसिज्म की वीडियो सीरीज को शुरू किया था और हम डिस्कस कर रहे थे जो ब्रिटिश क्रिटिक थे उनके बारे में पढ़ रहे थे हम। आई ए रिचर्ड को हमने पढ़ लिया है, टी एस एलियट के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में हम विलियम एम्पसन और एफ आर लेविस, इन दो क्रिटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, इनके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। तो इन ये जो क्रिटिक हैं, इनमें देखो इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है, मैं उसके बारे में भी यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यही बात कर लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं। तो देखो, विलियम एम्पसन और जो एफ आर लेविस है, इनके क्वेश्चन आपको मैच मेकिंग में ज़्यादा देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ पे मैच मेकिंग के बन सकते हैं। तो इनके टाइटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितने भी टाइटल मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगा आज, वो सारे आपको याद करने हैं, थोड़ा सा हम उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो अगर हम बात करें विलियम एम्पसन की, तो ये 20th सेंचुरी के बेस्ट क्रिटिक रहे हैं। ऐसा किसने बोला है? ऐसा जोनाथन केप ने, सॉरी जोनाथन बेट है ये, जोनाथन बेट ने ऐसा बोला है कि ये 20th सेंचुरी के बेस्ट क्रिटिक रहे हैं। और इन्होंने 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, इन तीनों सेंचुरी के बेस्ट जो क्रिटिक हैं उसके बारे में बात की है। 18th सेंचुरी के बेस्ट क्रिटिक बोला है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को, ये आपको याद करना है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है। 18th सेंचुरी का बेस्ट क्रिटिक रहा है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और 19th सेंचुरी के बेस्ट क्रिटिक हैं विलियम हैजलिट, और 20th सेंचुरी के बेस्ट क्रिटिक है विलियम एम्पसन, ऐसा बोला है जोनाथन बेट ने। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद ये जो विलियम एम्पसन है, इनका एक बहुत ही फेमस वर्क है, सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी। सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी, ये आया था 1930 में, डेट भी आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। तो देखो, इसमें एम्बिग्यूटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। एम्बिग्यूटी क्या है? किसी भी हम वर्ड को या फ्रेज को मोर देन वन और टू वे से समझ सकते हैं, यानी कि किसी भी वर्ड के एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हों तो उसको हम बोलते हैं एम्बिग्यूटी। ये इसकी डेफिनेशन है, याद कर लेना। जब किसी भी वर्ड या फ्रेज के एक से ज़्यादा मीनिंग निकलते हों समझने के लिए, तो उसको एम्बिग्यूटी बोलते हैं, और वो हो सकता है मीनिंग क्लियर ना भी हो। तो इस वर्क पे विलियम एम्पसन ने बात की है सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी की। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन कौन सी एम्बिग्यूटी होती है, जैसे इसमें मेटाफरिक एम्बिग्यूटी हो सकती है, मेटाफर को हम कई तरीकों से समझ सकते हैं, और जब दो से ज़्यादा मीनिंग निकल रहे हैं उनको समझना वो भी एक तरह की एम्बिग्यूटी है। तो इस तरह की एम्बिग्यूटी दी गई है विलियम एम्पसन के इस वर्क में, सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी में, ठीक है। उसके बाद अगला इनका वर्क आता है द फेस ऑफ बुद्धा। द फेस ऑफ बुद्धा ये आता है 1931 से। इसमें फेस ऑफ बुद्धा में कुछ एशिया के फिलोसफिकल जो वे हैं उनकी बात की गई है, ट्रेडिशन की बात की गई है, ठीक है, फेस ऑफ बुद्धा में। और इसमें एम्पसन, विलियम एम्पसन का रिएक्शन देखने को मिलता है कल्चर को लेके और आर्ट वर्क को लेकर। तो सिर्फ इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1931 इसकी डेट है, ये याद रखनी है। उसके बाद अगला इनका वर्क है सम वर्जन ऑफ पेस्टोरल्स, सम वर्जन ऑफ पेस्टोरल्स। इसमें पॉलिटिक्स की बात की है, साइको एनालिसिस की बात की है, और इसमें जो एलिजाबेथन थिएटर थे, यानी कि शेक्सपियर हैं जैसे कि, या जो दूसरे एलिजाबेथन प्लेराइट थे, उनको डिस्कस किया है सम वर्जन ऑफ पेस्टोरल्स में। तो ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट टाइटल इंपॉर्टेंट है। इसकी डेट है 1935। इसके बाद एक और वर्क आया विलियम एम्पसन का, मिल्टन्स गॉड, जिसमें पैराडाइज लॉस्ट को स्टडी किया है, और पैराडाइज लॉस्ट की जो थीम थी टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, उसको डिफेंड किया है विलियम एम्पसन ने यहाँ पे, मिल्टन्स गॉड। इसकी डेट, मिल्टन्स गॉड की डेट है 1961 में। तो इसमें पैराडाइज लॉस्ट को स्टडी किया है। और उसके बाद इसका एक वर्क और याद रखना, यूजिंग बायोग्राफी, यूजिंग बायोग्राफी। इसमें
कुछ राइटर्स की बायोग्राफी को यूज किया है, उनको स्टडी किया गया है, जैसे कि टी एस एलियट है, ये नाम याद रखना, टी एस एलियट, डब्ल्यू बी यीट्स और हेनरी फील्डिंग। हेनरी फील्डिंग के टॉम जॉन के बारे में भी इसमें बात की गई है, और उसके बाद है जेम्स जॉयस, जेम्स जॉयस के यूलिसिस को स्टडी किया है विलियम एम्सन ने इसमें यूजिंग बायोग्राफी में। तो ये चार पांच इसके वर्क आपको अच्छे से याद करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी, सिर्फ एम्बिग्यूटी की डेफिनेशन याद कर लेना, विलियम एम्सन के लिए इतना इनफ है। उसके बाद हम नेक्स्ट राइटर की बात करें, नेक्स्ट क्रिटिक की बात करें, वो है एफ आर लेविस, और इसके बहुत बार आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे पेपर में। एफ आर लेविस ये भी एक बहुत बड़े क्रिटिक रहे हैं। सबसे पहले तो ये इन्फ्लुएंस है दो राइटर से, टी एस एलियट से और दूसरा है जी एम होपकिन से, जी एम होपकिन से। और इनका जो पिछला अभी क्वेश्चन आया था पेपर में 2023 में, वो क्वेश्चन पूछा गया था एफ आर लेविस की मैगजीन कौन सी है, मैगजीन का ये मैगजीन दी गई थी द स्क्रूटिनी, स्क्रूटिनी स्क्रूटिनी एक क्वार्टरली रिव्यू, इसके जर्नल एडिटर रहे हैं एफ आर लेविस, और इसको फाउंड किया था 1932 में किसके साथ मिलकर, एलसी नाइट। अब इस बार आपको इसका भी नाम याद रखना है, ये कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है, क्योंकि पहले देखो स्क्रूटिनी का एडिटर कौन है या किसने फाउंड किया, ये आ चुका है एफ आर लेविस की ये मैगजीन है स्क्रूटिनी, और कोलेब्रेशन में किसके साथ है, एलसी नाइट के साथ। इसके काफ़ी सारे वर्क्स जो हैं वो स्क्रूटिनी मैगजीन में ही पब्लिश इन्होंने किए हैं। और अगर हम इनके वर्क्स की बात करें तो इनका पहला वर्क है बीरिंग इन इंग्लिश पोइट्री, बेरिंग इन इंग्लिश पोइट्री 1932 में है ये, 1932 में। तो इसमें बेरिंग इन इंग्लिश पोइट्री में लेट विक्टोरियन जो पोइट्री है उनको स्टडी किया गया है, उन पे एक तरह से अटैक किया गया है, उनको क्रिटिसाइज किया है। सिर्फ आपको टाइटल पढ़ना है, उसके बाद रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन आया था 1936 में। इसमें भी 17th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी की जो पोइट्री है उनको स्टडी किया है एफ आर लेविस ने। देन इसके बाद जो थर्ड वर्क है वो आया था इससे पहले एक और आएगा द ग्रेट ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन है 1948 में। ये एफ आर लेविस का सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है, इसमें उन्होंने अलग अलग नॉवलिस्ट को स्टडी किया है, और कुछ नॉवलिस्ट है जिनको ग्रेट नॉवलिस्ट बोला है, उनके नाम आपको याद रखने हैं। पेपर में दो तीन बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है ग्रेट ट्रेडिशन से। अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ उनके, कौन कौन से जो नॉवलिस्ट हैं जिनको ग्रेट माना है एफ आर लेविस ने। पहला है इसमें जॉर्ज एलियट है, उसके बाद जेन ऑस्टन है, और जोसेफ कॉनरेड है, और एक और था कौन सा था, जेम्स जॉयस। बाद में एक नॉवलिस्ट के बारे में और भी ऐड किया था डीएच लॉरेंस को, डीएच लॉरेंस के और भी वर्क में इन्होंने स्टडी किया है डीएच लॉरेंस को। तो डीएच लॉरेंस के नाम से ही एफ आर लेविस के और भी टाइटल आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है फिफ्थ जो था डीएच लॉरेंस। चार्ल्स डिकेंस को भी इसने थोड़ा सा इसमें मेंशन किया है, लेकिन चार्ल्स डिकेंस की बुराई ज्यादा की है, ठीक है, उसको क्रिटिसाइज किया है, लेकिन सिर्फ एक वर्क को छोड़कर बाकी एफ आर लेविस का मानना है कि कोई भी बेस्ट वर्क नहीं है। एफ आर लेविस का ने बोला है कि चार्ल्स डिकेंस का जो सबसे अच्छा वर्क है वो है हार्ड टाइम्स। ये क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि एफ आर लेविस ने बोला है कौन से वर्क को छोड़कर, ये हार्ड टाइम्स को छोड़कर बाकी सारे वर्क की इसने क्रिटिसिज्म किया है,
ये इसके बारे में सिर्फ प्रेज किया है चार्ल्स डिकेंस को, सिर्फ हार्ड टाइम्स को, बाकी किसी को नहीं किया। ये पॉइंट भी यहाँ पे आपको ध्यान करना है। और इसके अलावा और भी ऑथर की इसने बात की है, जैसे कि कुछ अमेरिकन है, एडगर एलन पोए था एक, तो नथानियल हॉथरोन है और हरमन मेलविले हैं। इनके बारे में बोला है कि ये जो हैं ये शेक्सपियर के ही सक्सेसर हैं, ठीक है। ये तीन चार एडगर एलन पोए है और ये डिकेंस है, नथानियल हॉथरोन है, हरमन मेलविले है, ये सारे सक्सेसर रहे हैं बाद में किसके, शेक्सपियर के सक्सेसर हैं ये, ठीक है। तो इतना याद रखना इसके बारे में। और इसकी डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 1948। उसके बाद नेक्स्ट इनका वर्क आता है द कॉमन पर्स्यूट। कॉमन पर्स्यूट की डेट है 1952। सिर्फ टाइटल याद करना है और कुछ नहीं। उसके बाद नेक्स्ट है द लिविंग प्रिंसिपल। द लिविंग प्रिंसिपल की डेट है 1972 और इसमें स्टडी किया है टीएस इलियट के एक वर्क को, फोर क्वार्टेट। देखो पहले भी मैंने बताया है आपको कि टीएस इलियट और जीएम हॉपकिंस से काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं, बहुत कुछ सीखा है टीएस इलियट और जीएम हॉपकिंस से, तो इनको बार बार काफी सारे वर्क में मिल जाएगा। डीएच लॉरेंस को स्टडी कर रही है और टीएस इलियट को और जीएम हॉपकिंस को, तो ये इसके बारे में है। फोर क्वार्टेट को स्टडी किया है द लिविंग प्रिंसिपल में। उसके बाद नेक्स्ट है थॉट वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी और इसका जो सब टाइटल है आर्ट एंड थॉट इन लॉरेंस, आर्ट एंड थॉट इन डीएच लॉरेंस, 1976 में है ये, ठीक है। इसका सब टाइटल है ये, सब टाइटल इसका है आर्ट एंड थॉट इन लॉरेंस 1976 में। इस वर्क को, दिस वर्क इज कॉल्ड समटाइम फिलोसफी। ये क्वेश्चन भी बन सकता है पेपर में कि एफ आर लेविस के कौन से वर्क को फिलोसफी बोला जाता है, तो ये है थॉट वर्ड्स एंड क्रिएटिविटी 1976। डीएच लॉरेंस की स्टडी है इसमें भी, तो इसको हम फिलोसफी बोलते हैं। तो बस इतना ही याद कर लेना एफ आर लेविस के बारे में। सो दिस इज ऑल अबाउट एफ आर लेविस एंड विलियम एम्पसन। यहाँ से आपको मैच मेकिंग में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। इनके टाइटल अच्छे से याद कीजिए, और जैसे सेवन टाइप ऑफ एम्बिग्यूटी उसका सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी तरह से एफ आर लेविस का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है द ग्रेट ट्रेडिशन। तो इसमें ऑथर जितने भी नॉवलिस्ट दिए हैं, नॉवलिस्ट की बात की है, ग्रेट नॉवलिस्ट कौन कौन से हैं, किसकी क्रिटिसिज्म किया है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं, ये अच्छे से ध्यान रखना कि हार्ड टाइम्स को छोड़कर चार्ल्स डिकेंस के जितने भी वर्क्स हैं उनको क्रिटिसाइज किया है, सिर्फ हार्ड टाइम्स को प्रेज किया है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।